नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अकबर के नौ रत्नों के बारे में। उन नौ रत्न जो थे उनमें से कुछ के मूल नाम अलग थे और बोलचाल में, या मैं कहूँ कि पॉपुलर नाम अलग था, तो उनके मूल नाम भी देखेंगे और उसके साथ हम उनके फंक्शंस को भी देखेंगे। ये जो नौ रत्न थे उनमें से कौन किस फंक्शन के लिए ज़्यादा फेमस रहा है, और उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप इन नौ नामों को आसानी से याद कर सकें। शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। पहला जो अकबर का नवरत्न था वो थे बीरबल, है ना। काफी फेमस नाम है ये, और सबसे ज्यादा ये जितने भी नवरत्न थे इनमें से काफी पॉपुलर नाम रहा है बीरबल, और इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास, तो ये याद रखेंगे। ये जो बीरबल नाम है ये इनको राजा अकबर के द्वारा ही दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। ये बीरबल क्या थे, प्रमुख विदूषक के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ साथ ये अकबर के कालीन जो सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो एक नाम हो गया यहाँ पर बीरबल। दूसरा नाम यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा काफी पॉपुलर में, मियाँ तानसेन, है ना। मियाँ तानसेन, इनका एक्चुअल नाम था तन्ना मिश्रा, ये आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन पाए जाते हैं कि मियाँ तानसेन का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर ये फैक्चुअल है, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, यदि आपको पता है कि इनका नाम क्या था तो आप सही करेंगे, और नहीं पता है तो फिर गलत होगा या फिर छोड़ के आएंगे। तो इसलिए इसी वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मियाँ तानसेन, इनका नाम तन्ना मिश्रा था, ये संगीतकार थे, है ना। और इनका ये भी देखेंगे आप, ये जब अपनी आरंभिक अवस्था में थे तो इन्होंने स्वामी हरिदास को अपना गुरु माना था, है ना। स्वामी हरिदास के शिष्य थे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था। तो ये बात भी याद रखेंगे कि स्वामी हरिदास के आरंभिक रूप में शिष्य थे, फिर हजरत मोहम्मद गौस से इन्होंने संगीत को सीखा था। नेक्स्ट जो नवरत्न है अकबर के काल के वो है अबुल फजल। अबुल फजल कौन है, इनकी दो पुस्तकें काफी पॉपुलर रही हैं, जिसमें अकबरनामा है, आईने अकबरी है, इन दोनों के लेखक कौन है, अबुल फजल है, तो ये बात आप याद रखेंगे। फोर्थ नंबर पर आते हैं फैजी, है ना। फोर्थ नंबर पर आते हैं फैजी, इन फैजी का नाम ही है एक हकीम हुकुम, इन्हीं फैजी को भी इनके एक अन्य नाम हकीम हुकुम से भी जाना जाता है, हकीम हुकुम। तो ये क्या थे, एक कवि थे और अबुल फजल के भाई थे, हैं। ये देखो अबुल फजल ये और इनके भाई थे फैजी, इन्हीं को हकीम हुकुम कहा जाता था, और ये इनके अबुल फजल के भाई थे। इसके बाद जो आपको आएंगे एक अकबर के रिलेटिव्स हैं, और उनका नाम है आपका फिफ्थ नंबर पे राजा मानसिंह। मानसिंह कौन थे, तो पहले तो ये देख लो कि सेनापति के रूप में अकबर काल में ये सेवाएं प्रदान कर रहे थे। उसके अलावा अकबर के एक ससुर जी थे भारमल, है ना। ये काफी पॉपुलर रिश्ता था, राजा भारमल इन्हीं की बेटी थी जो जोधाबाई के नाम से पॉपुलर हुई, जिसके ऊपर अकबर मूवी बनी हुई है। तो उसी भारमल के ये राजा मानसिंह क्या थे, पौत्र थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राजा मानसिंह अकबर के रिलेटिव्स थे, है ना। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट एक करेक्टर रहे हैं राजा टोडरमल, यह भी अकबर काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर रहे हैं, और इनका विशेष योगदान न केवल अकबर कालीन बल्कि सिरसा के टाइम से ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रहा है। तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, और राजस्व सिस्टम के अंदर, यानी रेवेन्यू प्रणाली, रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जो भी रिफॉर्म आए अकबर के समय में, उस रिफॉर्म के मूल कर्ता धर्ता राजा टोडरमल जी थे। सेवन नंबर में आ जाएंगे मुल्ला दो प्याजा, ये सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे मुल्ला दो प्याजा। और एट्थ नंबर पे आ जाएंगे फकीर अजियाउद्दीन, ये सूफी फकीर थे और अकबर के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लास्ट नवरत्न है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये अकबर के शिक्षक थे और मुगल सेना के एक जनरल हुए थे, काफी नाम पॉपुलर है इनका, बैरम खान, है ना। अकबर के समय में अकबर, ये कहें कि अकबर ने इन्हीं के शागिर्द रह के अपना राजकाज की शुरुआत करी थी,
है ना। तो इस वजह से ये काफी पॉपुलर जनरल रहे हैं बैरम खान। इन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, और गजल और दोहों के लिए काफी मशहूर रहते थे। ये तो रहे टोटल अकबर के नवरत्न और उनके फंक्शन और उनके मूल नाम। अब हमें जो याद करना है वो याद करना है इसका शॉर्ट ट्रिक, है ना। हमने आपको कहा था ना इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे ताकि हमको ये याद हो सके। तो आपको याद ये रखना है, BAT बात, फिर अगेन बात, बात बात, और इसको ये ऐसे ही मतलब कनेक्टिंग हम लिख रहे हैं, बात बात पे ऐसे लिख लेंगे, बात बात पे MDH, ऐसे बात बात पे MDH। ये नवरत्न की ट्रिक तो ये हो गई, लेकिन ऐड करने के लिए हम इसको लिख देंगे मसाले, MDH मसाले। अब ये याद रह जाएगा आपको, तो बात बात पे MDH मसाले। अब यहाँ पर आओ, बी इससे आप लिख लो बीरबल, है ना, बीरबल। ए से आप अबुल फजल, अबुल फजल। और टी से आप लिख दो यहाँ पर तानसेन। एक बात हो गई कंप्लीट। अगर दूसरी बात चलाओ, बी से आप यहाँ पर लिख लो भगवान दास, भगवान दास। ए से आप यहाँ पर लिख दो अब्दुल रहीम खान ए खाना, है ना। और एक टी से आप यहाँ पर लिख लो टोडरमल, टोडरमल हो गया। अब हम MDH को देख लेंगे। एम से आप लिख दो यहाँ पर मानसिंह, मानसिंह। डी से लिख दो, डी से मुल्ला दो प्याजा, या मुल्ला मत लिखना, दो प्याजा लिख लेना, मुल्ला दो प्याजा। और एच से आप लिखेंगे जो हमने एक अलग नाम बताया था, हकीम, हकीम हुकुम, एक या फैजी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और आप इस ट्रिक के माध्यम से आगे जो भी एग्जाम आएगा उन उस एग्जाम में आप इस ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। ये एक बात बात पे MDH मसाले, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अकबर के नवरत्नों को याद कर लेंगे। तो आप लोगों को यह हमारा जो वीडियो था, बहुत ही छोटा वीडियो था, कैसा लगा आप हमें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक भेजें। और यदि आपको यह हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं, जो भी वीडियो डिस्कशन रहता है, वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।